विश्व पर्यावरण दिवस पर TSDC अमेलिया कोल माइन कंपनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होकर कंपनी के महाप्रबंधक AK शर्मा ने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए कर्मचारियों को शपथ दिलाई। सिंगरौली जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पर TSDC अमेलिया कोल माइन कंपनी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कंपनी के महाप्रबंधक AK शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान AK शर्मा ने कंपनी के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, यह हम सभी की जिम्मेदारी है, नहीं तो इंसान का जीवन मुश्किल हो जाएगा। इस दौरान महाप्रबंधक ने पर्यावरण को बचाए रखने के लिए कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। जिस तरह की ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, तरह तरह की चीजें चल रही है, तो आगे आने वाला भविष्य जो है बहुत ही भयावह होगा। तो उन सब चीजों को देखते हुए हम लोग जो है पर्यावरण के प्रति सबको जागरूक करने का काम करें और जो है और खुद भी उसका आचरण करें, एक आदर्श बने और लोगों को भी प्रेरित करें ऐसा करने। इस दौरान TSDC अमेलिया कोल माइन कंपनी के प्रबंधक राजीव गोविल ने कहा कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और घरों में बिजली पानी जैसी चीजों का आवश्यकता अनुसार उपयोग करें। पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देना चाहिए। इस तरह से मिनिमाइज करें हम लोग प्लास्टिक का यूज और जो भी बिजली का भी और जो पानी का भी जो हम लोग घर में वेस्ट करते हैं उनको भी मिनिमाइज करने की कोशिश करें। इस तरह से हम लोग काफी इसको पर्यावरण को सुरक्षित करने में काफी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इस दौरान योग शिक्षिका दीपा सिंह ने कहा कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और कम से कम पॉलिथीन का उपयोग करें और लोगों को जागरूक कर पर्यावरण को बचाने में आगे होना चाहिए। सब लोग को अवेयर रहना चाहिए पर्यावरण को बचाने के लिए। जितना कम हो पॉलिथीन यूज कम करें, पेड़ ज्यादा लगाएं और सबको अवेयर करें। जयंत साइड CHP जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश की ओर से सभी प्रदेश एवं देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड यूनिट महान एल्यूमिनियम बरगवा जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश की ओर से सभी प्रदेश एवं देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विद्युत उत्पादन के साथ पर्यावरण संरक्षण हेतु संकल्पित सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन शक्ति नगर जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश की ओर से सभी प्रदेश एवं देशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।